इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रांस फैट्स के बारे में और किस तरीके से आप ट्रांस फैट्स को अवॉइड कर सकते हैं। खाना पकाते वक्त वनस्पति या फिर मार्जरीन का इस्तेमाल ना करें, ये आपकी सेहत के लिए काफ़ी नुकसानदायक होता है। बेकरी प्रोडक्ट्स जैसे कि केक्स, पेस्ट्रीज, बिस्किट्स और फ्राइड प्रोडक्ट्स जैसे कि चिप्स और नमकीन, इन सारे प्रोडक्ट्स का इंटेक लिमिट कर दीजिए। कमर्शियली फ्राइड फूड्स जैसे कि आलू चाट, समोसा, भटूरा, फ्रेंच फ्राइज, ये सारे फूड प्रोडक्ट्स वनस्पति में बनाए जाते हैं या फिर एक ही तेल में बार बार फ्राई किए जाते हैं। ऐसे प्रोडक्ट्स का इंटेक लिमिट कर दीजिए। तेल को बार बार गर्म ना करें और एक ही तेल को फ्राइंग के लिए बार बार यूज़ ना करें। जब भी आप पैकेज्ड एडिबल ऑयल खरीदें तो उसके लेबल को पढ़ना ना भूलें। अगर इंग्रेडिएंट्स लिस्ट पर पार्शली हाइड्रोजनेटेड ऑयल, हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल या फिर शॉर्टनिंग लिखा हुआ है तो उस ऑयल को अवॉइड करें। अगर आप कोई पैकेज्ड प्रोसेस फूड खरीद रहे हैं और उसके लेबल पर ट्रांस फैट की क्वांटिटी 0.2 ग्राम पर सर्विंग से ज़्यादा है तो उस प्रोडक्ट को खरीदना अवॉइड करें। तो इस वीडियो में हमने बात करी ट्रांस फैट्स के बारे में और किस तरीके से आप ट्रांस फैट्स को अवॉइड कर सकते हैं। आइए एक बार फिर से देखते हैं कि आज हमने क्या क्या सीखा। खाना पकाते वक्त वनस्पति या फिर मार्जरीन का इस्तेमाल ना करें, यह आपकी सेहत के लिए नुकसानदायक होता है। बेकरी प्रोडक्ट्स जैसे कि बिस्किट्स, केक्स, पेस्ट्रीज और फ्राइड प्रोडक्ट्स जैसे कि चिप्स और नमकीन का इंटेक लिमिट कर दें। कमर्शियली फ्राइड फूड्स जैसे कि आलू चाट, समोसा, भटूरा, फ्रेंच फ्राइज वनस्पति में बनाए जाते हैं या फिर सेम ऑयल में बार बार फ्राई किए जाते हैं, ऐसे प्रोडक्ट्स का इंटेक लिमिट कर दीजिए। तेल को बार बार गर्म ना करें और फ्राइंग के लिए सेम ऑयल का रीयूज़ ना करें। जब भी आप पैकेज एडिबल ऑयल खरीदें, अगर इंग्रेडिएंट्स लिस्ट में पार्शली हाइड्रोजनेटेड ऑयल, हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल या फिर शॉर्टनिंग लिखा हुआ है तो उसे ना खरीदें। और अगर आप पैकेज प्रोसेस फूड ले रहे हैं तो लेबल पर अगर ट्रांस फैट की क्वांटिटी 0.2 ग्राम पर सर्विंग से ज़्यादा है तो उस प्रोडक्ट को लेना अवॉइड करें।